श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय एक श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो दुर्योधन यहाँ तुलना कर रहे हैं, भीष्मा अभिरक्षितम वर्सेस भीमा अभिरक्षितम। तो दुर्योधन देख रहा है कि पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा आरक्षित है और हमारी शक्ति कौरवों की शक्ति भीष्म के द्वारा। लेकिन दुर्योधन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात देखने में चूक गया कि पांडवों के साथ परम भगवान श्री कृष्ण भी हैं। तो भले ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र ना उठाने का प्रण स्वीकार किया था, लेकिन वो बिना अस्त्र शस्त्र उठाए मात्र अपने विचार और इच्छा से भी किसी को मृत्यु दे सकते हैं। इसलिए गीता में आगे चलकर हम पढ़ेंगे जहां भगवान कहेंगे मृत्यु सर्व हर्षता हम, कि मैं मृत्यु के रूप में सब कुछ हर लेता हूं। तो जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते उनके जीवन में भगवान मृत्यु के रूप लेकर आते हैं, काल रूप लेकर आते हैं। तो कृष्ण दुर्योधन के समक्ष हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन कृष्ण को नहीं समझ पा रहे हैं और वो इस बात की तुलना करते वक्त इस बात का मूल्य कम आंक रहे हैं कि कृष्ण पांडवों के साथ हैं। तो परम भगवान कृष्ण का पांडवों के साथ होना इस सारे युद्ध के निर्णय को बदल देने वाला साबित हुआ। तो भले ही पांडवों की शक्ति कौरवों की शक्ति की तुलना में कम थी, लेकिन एक कृष्ण की उपस्थिति ने उस कम शक्ति को भी महान शक्ति में परिवर्तित कर दिया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि आप इस संसार की जो उपलब्धियों को अर्जित करने में लगे हैं वो एकमात्र शून्य के समान है, क्योंकि इस जीवन को त्यागने के बाद वो उपलब्धियाँ हमारे साथ अगले जन्म में साथ नहीं जा सकती, ना हमारी डिग्री, ना हमारी विद्या, ना हमारा पैसा, ना हमारा परिवार, ना हमारी अन्य किसी प्रकार की योग्यता। तो वो मात्र एक शून्य है और कृष्ण एक हैं। तो अब एक के आगे अगर आपके पास एक योग्यता शून्य है तो अब इसका मूल्य बन गया, दो योग्यताएं हैं, दो शून्य और अधिक मूल्य बन गया। अब जितनी भी योग्यताएं अर्जित करते जाएं और उन शून्यों को एक के साथ जोड़ते जाएं अब इसका एक मूल्य बन जाएगा। उसी प्रकार से भले ही पांडवों की शक्ति तुलना में कौरवों से कम थी, लेकिन भगवान कृष्ण उनके साथ होने के कारण वो अतुलनीय बन गई। तो दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन कृष्ण को ना समझ पा रहा है, क्योंकि भगवान को देखकर नहीं जाना जा सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान को जानने का तरीका कान है, यानी कि उनके महत्व को सुनकर, और भगवद गीता हमें भगवान का महत्व समझाती है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं और वो किस प्रकार से सृष्टि का संचालन करते हैं, हम किस प्रकार से उनके अंश हैं और हमारा एक शाश्वत संबंध है उनके साथ, और इस जगत इस प्रकृति का स्वभाव कैसा है, ये भगवान के महत्व को हमें समझाती है। तो जब आप कानों से भगवान के महत्व को समझोगे तो फिर आंखों से भगवान को सर्वत्र देख पाएंगे। लेकिन सिर्फ आंखों से भगवान को देखने की कोशिश करेंगे तो आंखें योग्य नहीं हैं भगवान को दिखाने के लिए। तो दुर्योधन के समक्ष कृष्ण होते थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन कृष्ण के महत्व को नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने श्रवण भगवान के महत्व को सुनने का आश्रय नहीं लिया, उन्होंने आंखों का आश्रय लिया।
इसीलिए एक मनुष्य कानों से अधिक सीखता है, आँखों से कम सीखता है, लेकिन फिर भी हम अपनी आँखों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कानों के बजाय। तो दुर्योधन का ये मिसकैलकुलेशन बहुत भारी पड़ गया। भीष्मा अभिरक्षितम। तो इस भौतिक जगत में हम अपनी सुरक्षा के कितने भी प्रावधान आयोजन क्यों ना कर लें, जब तक वो कृष्ण अभिरक्षितम नहीं होंगे तब तक हमारी कोई भी योजना अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सफल नहीं हो सकती। दुर्योधन ने बहुत बड़ी योजना बनाई पांडवों को मारने के लिए, पूरी पृथ्वी भर के महान योद्धाओं को अपनी तरफ एकत्रित भी कर लिया, लेकिन बस कृष्ण की सुरक्षा को प्राप्त करने से वंचित रह गया। अब ये कृष्ण का पक्षपात नहीं, अगर हम भगवान की शरण नहीं लेना चाहते, भगवान से संबंध नहीं स्थापित करना चाहते, तो वो जबरदस्ती हमारे जीवन में दखलंदाजी नहीं करते। वो एक प्रेममय पिता हैं, उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है। तो इसीलिए जब तक हम कृष्ण अभिरक्षितम ना हो, इस संसार की कोई भी सुरक्षा पर्याप्त नहीं है हमें सुरक्षित रखने के लिए। और वो भगवान हमारे जीवन में इस कलयुग में अपने नामों के रूप में अवतरित हुए हैं, तो हम उनके नामों का जब आश्रय लेते हैं, और नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नामों में डाल दी है, और ये नाम भगवान से अभिन्न है। तो जब इस दिव्य शब्द ध्वनि का हम आश्रय ग्रहण करते हैं, तो हम भगवान की सुरक्षा में अपने आप को जाने की अनुमति दे रहे हैं। तो इस प्रकार से दुर्योधन का ये मिसकैलकुलेशन हमारे जीवन के लिए शिक्षाप्रद हैं कि आप चाहे भले ही अपने जीवन में कितने आयोजन करें, लेकिन अगर भगवान की कृपा और उनकी अनुमति को लेना अगर चूक जाएं, वो सभी फेल हो जाएंगे। हरे कृष्णा।